पढ़ेंगे अपन ग्राफ। तो फॉर ग्राफ्स इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो विल राइट दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सबशेल्स। Representation of subshells. जो graphical representation of the subshells है ना, वो हम बनाते हैं on the basis of wave mechanical model. तो graphical representation के लिए we know that पहले तो हम check करेंगे what are nodes. तो nodes तो हमने पहले बता रखा है भाई कैसे calculate करते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स है ना, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स तो अपन को पता है क्या होता है ऑफ सबशेल इन ऑर्बिटल। सो ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल ऑफ सबशेल, मैं थोड़ा क्लियरिटी ही रखना चाहता हूं इसलिए मैंने इस वर्ड को जोड़ा ऑफ सबशेल। तो अपने लिखा था इसको वैल्यू ऑफ एल के बराबर, किसी भी शब्द किसी भी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ नोड्स होगा इन द सबशेल दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एल। तो एल का वैल्यू है, एस के लिए पता है क्या होता है, पी के लिए पता है क्या होता है, डी के लिए पता है क्या होता है, एंड अदर्स वी नो दैट how the value of L R. Next we can write is number of radial or spherical nodes, radial nodes and spherical nodes. ठीक है, that will be equal to n minus L minus 1. इससे कैलकुलेट करेंगे अपन number of spherical nodes. एंड नंबर ऑफ, अब इसमें भी अगर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स बिटवीन द सबशेल्स, बिटवीन सबशेल्स दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन, वो ऐसे हो जाएगा द नोड्स है ना। तो मैं इसलिए वो वर्ड्स यूज कर रहा हूं सो दैट आई एम एबल टू टेल कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ नोड्स इन एटम। तो एटम में जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं दैट इज एटम में तो नोड्स बिटवीन द शेल्स ही होता है बस। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू एन माइनस वन। अभी मैं एक बार तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एंगुलर नोड्स इन द ऑर्बिटल्स है ना, सो इफ आई राइट द एंगुलर नोड्स इन द ऑर्बिटल्स वी कैन राइट लाइक दिस। जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसमें कोई नोडल प्लेन तो होते हैं, ये एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन भी होता है। सो एंगुलर नोड्स और यू कैन राइट नोडल प्लेन, ये भी लिख सकते हैं एंगुलर नोड्स और द नोडल प्लेन। तो एस में तो जीरो होता है देयर बिकॉज उसका शेप तो स्फेरिकल होता है, देयर इज नो नोडल प्लेन इन दैट एस ऑर्बिटल में। पी में बट वी नो दैट कि अगर आप पी को ऐसे बनाओगे तो दिस इज अ वेव फंक्शन, लेकिन इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में एक नोडल प्लेन होगा, तो वी राइट दैट दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द पी ऑर्बिटल। मतलब ऐसे जो प्लेन होगा उसमें नोडल प्लेन होगा बिकॉज पी में तो एक बैलून ऊपर की तरफ है एक बैलून नीचे की तरफ है ऐसे। तो फिर इस वाले प्लेन में क्या होगा, तो अपन कहेंगे उसमें तो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ नोडल। डी की बात करेंगे तो इसमें नोडल प्लेन पी में तो वन होता है, एल का वैल्यू पी के लिए एल का वैल्यू वन होता है, इसके लिए एल का वैल्यू जीरो होता है। और अगर हम बात करेंगे डी की तो डी में वी नो दैट हाउ इट इज, ये वाई एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस होगा, तो वी कैन राइट दैट डी का अगर हम कोई भी ऑर्बिटल बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल में एल का वैल्यू टू होता है, तो इसका नोडल प्लेन क्या होगा, तो वी नो दैट नोडल प्लेन इसका ये वाई और एक्स है ना,
तो नोडल प्लेन विल बी एक, तो इसमें नोडल प्लेन एल का वैल्यू इसके लिए टू लिखा, उसके लिए जीरो, इसके लिए वन, इसके लिए टू, और नोडल प्लेन लिखूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। एक होगा वाई जेड प्लेन और एक होगा एक्स जेड प्लेन, दीज आर द नोडल प्लेन्स जो अपन ने क्लास में भी पढ़ेंगे। सो दीज आर द नोडल प्लेन्स। अब अगर हम बात करेंगे स्फेरिकल और रेडियल नोड्स की, तो चलो देखते हैं स्फेरिकल और रेडियल नोड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमको पता चलेगा। और एटम्स में नोड बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो दैट। मैं पहले सी वाले पार्ट को बता देता हूं, नोड्स इन द एटम। एक एटम में न्यूक्लियस होगा, देयर विल बी डिफरेंट शेल्स। तो देयर इज वन टू थ्री शेल्स, तो बिटवीन द टू शेल देयर विल बी अ स्पेस वेयर विल बी देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन। So between the two shell there will be a space where the electron cannot be formed. That space between the two shell is called the nodes, or you can say the nodal volume, or you can say that the nodal space. So if there are three shells, then one nodal volume will be between one and two, and one will be between two and three. So the number of nodes in the atom will be between the shells, jitne cell honge uska minus 1 karenge to we'll get the nodes. Theek hai, now we'll check the spherical and the radial nodes. The spherical nodes and the radial nodes will be like this. Main thoda sa isko hata leta hu, then we'll take that part. Abhi what we say that मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एटम दिखता कैसे है, पहले पर वो देखते हैं, देन आई विल टेल यू द स्फेरिकल एंड द रेडियल नोड्स। एक्चुअली एटम्स में ना न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल, ये वन एस है, देन विल से दैट दिस विल बी टू एस ऑर्बिटल, this will be the 2s orbital, then there will be 2p, the 2p will be like this, the 2p orbital, the 2p orbital will be like this, the 2p orbital will be like this. Now you can assume that this is px, py and pz. अब इसके बाद थर्ड शेल आएगा, सपोज दिस इज 3s, इट इज स्फेरिकल शेल, दिस इज अ 3d ऑर्बिटल है, ये दोनों ये ऑर्बिटल मतलब px और py विल बी 90 डिग्री टू ईच अदर, ये pz जो होगा वो ऐसे बना होगा, बिकॉज ऑल पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, ओके तो अगर ये 3s है तो इसके लिए 3p भी बनाएंगे अपन, तो 3p विल बी लाइक दिस, this is 3px, this is px, 3px, this is 2px. अभी x axis different थोड़ी हो सकता है किसी atom में, अगर ये x axis है ये y axis होगा, तो अगर ये 2py है तो 3py will be like this. This is 3py. Abhi I will write that 3pz. Abhi 3pz will be like this. This is 3pz. Maine
अपन सबको पता है फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, सेकंड में एस और पी दोनों ही होते हैं, डी नहीं होता, थर्ड में एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है. अब मैं डी को बनाऊंगा, बट मैं पढ़ना. अब अगर डी को भी बनाओगे इसमें तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कितना सारा क्या पार्ट है, कौन सा क्या कहां बनाया आपने. कंसेप्ट चेक कर लेते हैं कि आप बनाना क्या चाहते हो उसमें. देखो मैंने 2p की बात करता है, हम सबको पता है कि ये 2p ऑर्बिटल है, राइट? तो 2p ऑर्बिटल में जो आप ऐसे बनाओगे, ऐसे p ऑर्बिटल, तो ये सारा का सारा पार्ट इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत छोटा पार्ट होता है इसमें से. 2p का इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां हो सकता है. व्हाट इज सो भाई, 2p के अंदर 2s भी तो हो सकता है ना. अब 2p का इलेक्ट्रॉन 2s के से पास थोड़ी, 2s से अंदर थोड़ी हो सकता है. व्हाट इज सो बिकॉज 2s का एनर्जी कम होता है 2p से. द एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन 2p, मतलब द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, पहले लिखा ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d लाइक दैट. तो अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पास होगा फिर ये होगा, तो इसका एनर्जी तो ज्यादा है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे एज कंपेयर टू 2s के. अब अगर न्यूक्लियस से दूर रहना है तो इसका मतलब ये अगर 2s है तो इससे तो दूर ही रहना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है इसका 2p का इलेक्ट्रॉन तो इसको, ये 2s वाले को टच भी नहीं कर सकता. इसका मतलब है सिर्फ यहां कहीं ये स्पेस होता होगा जहां पर 2s का 2p का इलेक्ट्रॉन होता होगा जो 2s से बाहर होगा, ये वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा. अब 3s का इलेक्ट्रॉन तो 2p से बाहर होगा, तो आपने बनाया ना ये सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है वो 3s ही तो है, बड़ा वाला सर्कल जो अपन ने बना रखा है, तो बड़ा वाला सर्कल जो है वो 3s है, तो 3p उससे भी बाहर होगा 3s, बिकॉज 3s के बाद अपन 3p लिखेंगे, 3s के बाद हम 3p लिखेंगे. तो इसका मतलब है 3p जो होगा दैट विल बी लिंक्ड, 3p का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां पर नहीं होगा, 3p का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर कहीं होगा, इधर नहीं हो सकता. व्हाई इट इज सो बिकॉज इसके अंदर तो 3s होगा, क्योंकि 3p के अंदर 3s भी होगा. तो इसका मतलब है जब आपने 3 ये 2p बनाया था तो 3p आपने ऐसे बनाया, तो 3p में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ यहां पर कहीं होगा, बस 3p में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां कहीं हो सकता है. तो 4p में तो अपन कहेंगे भाई पहले तो 3d बनाओ, पहले तो 3d बनाओ, फिर 4s बनाओ, फिर 4p बनाना. तो इसका मतलब है 4p जो होगा वो इससे भी बाहर होगा, ये 4p ऐसे बाहर होगा. तो 4p में क्या होगा कि ये जो होगा ऐसे हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पेस होगा वो यहां नहीं होगा. दिस इज 2p, दिस इज 3p एंड दिस इज 4p. उसके बाहर 5p, मतलब p, अगर ये py है जैसे आपने ऐसे y एक्सिस लिया था, तो ये py है, तो ये 3py है, तो ये बाहर. सो दिस इज 2py 3py 4PY. अब हम कहेंगे द रीजन वेयर द प्रॉबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द सब शेल्स. ये जो रीजन बनेगा ना एक इन दोनों के बीच में, ऐसे स्फेरिकल रीजन 2p और 3p के बीच में, वैसा ही एक 3p और 4p के बीच में भी बनेगा जैसे ये रीजन बना,
ऐसे ये किन दोनों के बीच में बनेगा और वो रीजन यहां तक बनेंगे और वो रीजन मैं यहां तक बनाऊंगा और ये भी रीजन मैं यहां तक बनाऊंगा। दिस रीजन इज कॉल्ड बिटवीन द 2p 3p और 3p 4p इज कॉल्ड स्पेरिकल और रेडियल। आप उस सेंटेंस को पढ़ो, उसमें क्लियरली मेंशन है नंबर ऑफ रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड्स। दिस इज स्पीयर, ये छोटा स्पीयर, ये बड़ा स्पीयर, दोनों के बीच में द एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड द स्पेरिकल नोड्स। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स इज कितना लिखा अपन ने, एन माइनस एल माइनस वन। अभी अगर मैं कहूंगा 2p का रेडियल नोड्स बनाओ, 2p का स्पेरिकल नोड और रेडियल नोड्स, तो अपन कहेंगे अच्छा n माइनस एल माइनस वन 2p के लिए, n का वैल्यू तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 2 हो गया, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है 1 हो गया, और माइनस 1 करेंगे कितना आया 0, आना ही चाहिए बिकॉज आपने 2p का पूछा है। तो p ऑर्बिटल तो सेकेंड शेल से ही शुरू होता है, उसमें नोड कहां से आ गया, बिकॉज आप 1p और 2p के बीच में नोड्स बताओगे ना तो 1p तो होते ही नहीं, इसलिए 0 आ रहा। आप 3p के लिए कैलकुलेट करो तो 3p और 2p के लिए 1 वैल्यू आएगा नोड्स का, आप 4p के लिए कैलकुलेट करो तो एक आएगा 4p और 3p के बीच में और एक आएगा 3p और 4p के 2p के बीच में, दो नोड्स है स्पेरिकल और रेडियल, कैलकुलेट करके चेक कर लो। आपने कहा 3p, 3p के लिए n माइनस एल माइनस वन माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है 3, एल का वैल्यू कितना है 1, आया कितना अपने पास 1, दैट इज व्हाट इज। सो जब आप 3p लिखोगे तो p सब शेल 2 से शुरू होता है तो 3p और 2p के बीच में 1 होगा। अगर आप 4p के लिए कैलकुलेट करोगे तो वहां 2 आएगा बिकॉज एक होगा 4p 3p के बीच में और एक होगा 3p 2p के बीच में। ये सारा पार्ट जो होता है ना, जो अपन ऐसे एक साथ पढ़ रहे हैं एटम में, इस पार्ट को हम किसी दो क्वाड्रेंट के बीच में, ऐसे अपन को पता है इन किसी दो क्वाड्रेंट के बीच में, हम एक क्वाड्रेंट के बीच चार होते हैं 1 2 3 4 जैसे आप पढ़ते हो, हम किसी एक क्वाड्रेंट में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं अपन क्या करना है, बस वही होते हैं ग्राफ, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, तो वो हमें पढ़ना होता है। अब इससे ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, ऐसे भी अपन को बनाने के लिए बोलने वाले नहीं है कि आप बनाओ, हमें सिर्फ ये नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। और वो एक छोटे से फॉर्मूले से, मैंने आपको इसलिए वो फॉर्मूला डिटेल में बताया कि हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन, और फिर मैं आपको हर एक पार्ट पहले समझाऊंगा, जैसे मैंने पहले एटम को आपको समझाया। ये सारा पार्ट अपन से कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ड्रॉ करके देखो, मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि अगर कोई अपने कोई ट्विस्ट भी करता है किसी क्वेश्चन में तो आपको सारा पार्ट अच्छे से पता है कि मतलब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपके ट्विस्ट को चेंज करना है। तो अपन को पता था कि भाई अगर पी ऑर्बिटल कोई ऐसे बताता है और अपन से पूछेगा क्या ये सारा का सारा रीजन पी ऑर्बिटल के लिए 2p ऑर्बिटल के लिए होगा, तो अपन मना कर देंगे, भाई 2p से पहले 2s तो होगा और 2s से पहले 1s तो होगा और बीच में न्यूक्लियस होगा, तो 2p के लिए जो रीजन बचेगा वो बहुत कम होगा, तो सारा का सारा लोब का जो रीजन होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट ही इलेक्ट्रॉन के लिए होता। तो अपन इस पार्ट को हटाते हैं और चेक करते हैं हाउ द ग्राफ्स आर।
अब पढ़ेंगे अपन ग्राफ्स को. पहले अपन ने पढ़ा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ शाई जो शाई का वैल्यू होता है दैट इज यू नो दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपन ने शाई को पढ़ा था. और साई को साई के लिए अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमें तीन वैल्यूज मिलते हैं क्वांटम नंबर्स के एन एल और एम फ्रॉम दैट श्रोडिंगर इक्वेशन. तो अपन लिखते हैं जैसे एक बार ऐसे लिख लेता हूं शॉर्ट में ताकि हमें ग्राफ पढ़ना थोड़ा और इजी हो जाएगा. सिग्निफिकेंस ऑफ साई पहले अपन ने ये लिखा होगा. शाई जो होता है दैट एक्सप्लेन्स इट्स वैल्यू सिग्निफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन. ये सिर्फ अपन को एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का. मतलब जो एक वेव होता है उसमें एम्पलीट्यूड अपन को पता है क्या होता है. दिस इज द एम्पलीट्यूड. So its value signifies the amplitude of orbital wave function. Wave function. तो उसका जो value होगा that will signify the orbital wave function. Its value vary can vary. From minus infinity to plus infinity. Minus infinity to plus infinity. तो अपन कहेंगे भाई ऐसा क्यों? तो देख लेते हैं कैसे. मैंने आपको पहले भी बता रखा है वेव मैकेनिकल मॉडल. इसको अपन वेव मैकेनिकल मॉडल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस. अगर हम इसको वेव को ऐसे बना रहे हैं और अपन ने इस वेव को इधर भी बना सकते हैं तो इसको अपन वेव मैकेनिकल मॉडल इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे अगर वेव यहां पर है इसमें ये क्रेस्ट एंड ट्रॉफ जहां पर क्रेस्ट ये ट्रॉफ बिकॉज अपन ऐसे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन लेते हैं नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन ऐसे लेते हैं तो ऊपर वाला पॉजिटिव साइन है नीचे वाला नेगेटिव साइन है तो वेव स्ट्रेट लाइन है. Like that. तो वेव मैकेनिकल मॉडल में अपन क्या बोलते हैं भाई ये जो है ना जहां पर क्रेस्ट और ट्रॉ आ रहे हैं यहां पर देयर इज अ शेल. यहां पर एक शेल प्रेजेंट है. दिस इज द फर्स्ट शेल. दिस इज द सेकेंड शेल. दिस इज द थर्ड शेल. This is the fourth shell. Now you are able to tell. भाई देखो यहाँ पर ये first shell है अपना, ये second shell है अपना, ये third shell है अपना. They are spherical. तो इन दोनों के बीच में ये जो होता है ना इसको अपन nodes बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Nodes बोलते हैं. पर nodes यहाँ भी आएगा वहां भी आएगा. और ये सिर्फ हम एक ही एक्सेस में नहीं लिख सकते. ये x हो गया तो अपन y पे भी लिखेंगे और z पे भी लिखेंगे. Which is perpendicular to that. That's why it is called wave mechanical model. तो जो शाई का वैल्यू है वो इस वेव्स का एम्पलीट्यूड बताएगा अपन को बस. जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन है जीरो हो गया बिकॉज नोड्स आ गया. फिर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मतलब शेल होना चाहिए. फिर जीरो आ गया. फिर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फिर जीरो आ गया. फिर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फिर जीरो आ गया. लाइक दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल. वेव से एक्सप्लेन करने वाला मॉडल दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल. और जो अपने ऐसे लिखा हुआ है आप उसे देख भी सकते हो. वैसे भाई अगर आप ऐसे लिख रहे हो वेव्स में तो अब जरूरी थोड़ी ऐसे लिखूंगा. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. तो अगर आप यहां ऐसे लिखोगे मैं यहां ऐसे कर दूंगा. तो अपन कहेंगे अच्छा ये तो पी ऑर्बिटल बन गया. आप
यहां पर पॉजिटिव लिखोगे तो भैया नेगेटिव लिखो। हाँ तो पी ऑर्बिटल भी तो आपने ऐसे ही बनाया था, यहां पर पॉजिटिव लिखते हो तो यहां पर नेगेटिव लिखते हो पी ऑर्बिटल। तो अपन इसको ऐसे बता सकते सारे स्टूडेंट ना अपना बैच का नाम भी लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। कोई स्टूडेंट है वो इज नॉट हैविंग नेम, वो नोकिया 5.3 है, उसको अपना नाम लिखो कौन है, वो अपना नाम लिख देना कौन है। सो विल राइट दैट कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव अपन को पता चल गया। अब होगा क्या, एटम्स का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता। हम आज भी आइसोलेटेड एटम का साइज कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना। हम सर्टेन है ही नहीं, हम कभी एटम का पोजीशन सर्टेन बता ही नहीं सकते, है ना। अपन एटम का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, जैसे अपन कहेंगे भाई ये लास्ट शेल है, हाँ तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। How can you say that कि exact position of electron कहां पर है, तो बनने ठीक है ना। तो हम आज भी एटम का आइसोलेटेड एटम मतलब एक एटम का एग्जैक्ट साइज आज भी हम कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। तो अपन कहेंगे बोर ने तो सब कुछ कैलकुलेट कर दिया था, फिर उसको तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ तो उसके ड्रॉबैक थे ना, वही तो उसका ड्रॉबैक था, उसने तो इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी पार्टिकल एक्शन किया था। लो भाई इलेक्ट्रॉन यहां स्टेबल है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस ले लिया, इलेक्ट्रॉन यहां स्टेबल है, चलो सारे कैलकुलेशन कर दो। इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे हो सकता है, स्टेशनरी पार्टिकल थोड़ी होगा, वो तो रोटेट करता रहेगा। तो वो सारे ड्रॉबैक्स थे उसके। तो हम क्या बोलते हैं भाई, आप ना एटम का साइज अगर फिक्स नहीं है तो आप कहीं भी अज्यूम कर लो इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, जहां तक ये वेव जाता है वहां तक कैलकुलेट कर लो। तो मैंने आपसे कहा इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू इज कंटिन्यूअस, वैल्यू इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब ऑब्वियसली बात है, वेव है तो कंटिन्यूअस वेव ही होगा। ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होगा कम होगा कम होता है, नेगेटिव होता जाएगा, फिर बढ़ेगा जीरो, फिर पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कंटिन्यूस होता रहेगा। एंड सिंगल वैल्यू, एट डेफिनेट पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अपन कहेंगे भाई यहां से प्लस 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 मैक्सिमम प्लस इधर आया, जहां मैक्सिमम प्लस आएगा मतलब जहां पर हाइट आएगा क्रेस्ट का, वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उसके बाद उस शेल में कम होना शुरू हो जाएगा, फिर नोड आ जाएगा, नोड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द नोड, ये क्या होता है नोड, नोड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा जीरो। That is how we can write the values, the significance of psi. वैसे देखा जाए तो हमें significance psi से हमको कुछ मिला नहीं वैसे, मतलब यहाँ पर calculation में हमें कुछ मिला नहीं। From the value of psi, value of psi, we do not get any information about the presence of electron, So, अगर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के लिए
ठीक है ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, सो व्हाट विल से दैट कि भाई इससे ना सिर्फ वेव फंक्शन से अपन को थोड़ी कुछ पता चला, तो कहेंगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ किसी भी वेव का हो सकता, उससे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा भाई? आप तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी दिखा रहे हो, तो नेगेटिव का मतलब हो गया वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ऐसे थोड़े होता है अपन कहेंगे वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा चलो वहां भी इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं, तो गलत है ना, वहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो तो गलत हो जाएगा, राइट? तो अपन क्या करेंगे, सो एंड द वैल्यू ऑफ शाई इज ऑल्सो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, as well as negative. Thus, it has no significance for us. तो जब इसका कोई significance नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ें इस सबको? तो बंदे का रुको भाई, हमने ना waves के बारे में काफी पढ़ा हुआ है, stationary wave, ट्रांसवर्सल वेव्स, इस टाइप से बहुत सारा पढ़ा हुआ, और वहां वेव्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेव के लिए उसके लिए क्रेस्ट होगा ट्रॉफ होगा। अगर हमें किसी भी वेव में जैसे अपन ने लिखा हुआ ना यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है लेकर, व्हाट दे से कि अगर अपन एम्पलीट्यूड किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर ले तो आप उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ साउंड बता सकते हैं। मतलब जब मैं ऐसे निकाल अब बोल रहा हूं तो देयर विल बी अ वेव्स विचार कर रहा हूं, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ माय साउंड, तो मैं क्या करूंगा उस वेवलेंथ को चेक करूंगा वहां पर कितना वेवलेंथ है, उसमें क्रेस्ट और ट्रॉफ होगा, उस एम्पलीट्यूड को इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड बॉर्न इंटरप्रिटेशन, मतलब दैट इज एक्सप्लेन बाय बॉर्न। तो साई का वैल्यू का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं, according to Born interpretation, Born interpretation, the square of amplitude, the square of amplitude Born interpretation hota hai, the square of amplitude at any point, at any point of sound or light wave, or light wave signifies the intensity of sound or light, signifies the intensity, brightness, intensity of sound or light. और तो हम भी यही कर लेते हैं, हम क्या करते हैं शाई का स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव नंबर भी अपने पास होता है तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब शाई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब वो ठीक है, वी कैन से दैट जैसे square of amplitude predict the intensity of light or sound, वैसे ही square of shy must indicate the intensity of presence of electron in the region around the nucleus in the atom. तो अपन लिखेंगे similarly
सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ शाई मस्ट सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन रीजन अराउंड न्यूक्लियस. सो शाई स्क्वायर सिग्निफाइज the probability of finding the electron, the probability of finding the electron, the electron around the nucleus. तो फिर इसका सिग्निफिकेंस ले लेंगे. इट्स वैल्यू सिग्निफाइज साई स्क्वायर. इट्स वैल्यू सिग्निफाइज the orbital probability density, probability density of electron, मतलब around the nucleus किसी एक point पे कितना intensity होगा electron का वो signify करेगा. So value can vary from up can be positive plus. भाई इसका वैल्यू क्योंकि अगर माइनस टू है उसका स्क्वायर करोगे तब भी वो टू हो जाएगा. मतलब उसका टू स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस को हमें लेना ही नहीं पड़ेगा ना, टू का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई मीन. माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी लाइक कि टू का स्क्वायर. तो ठीक है भाई, वैल्यू इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस ही होना पड़ेगा एंड डेफिनेट एट अ पॉइंट. तो साई स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब ये सारे वैल्यूज जो आप यहां पर नेगेटिव लिख रहे थे मुझे इनको भी पॉजिटिव बना देना है जहां पर शेल प्रेजेंट है ना. जैसे ये है तो अब मैं किसी भी उसमें ग्राफ में ऐसे नहीं बना पाऊंगा. वेव वेव फंक्शन तो है लेकिन अगर मुझे साई स्क्वायर की बात करनी है तो मैं इस नेगेटिव पार्ट को भी ऐसे अज्यूम करूंगा. व्हाट इज सो, क्योंकि आपको साई स्क्वायर करोगे तो आपको सारे वैल्यूज पॉजिटिव मिलने चाहिए, नेगेटिव नहीं मिले. ठीक है भाई, तो इस टाइप के ग्राफ में आप बता दो तो हम अपना बता देंगे जो आप बताओगे ग्राफ में. तो अब मैं आपको ग्राफ बताता हूं. मैंने ग्राफ बनाने के लिए सीधा हमको ग्राफ पे ही जाना था, बट मैं चाहता हूं आपके दिमाग में सारा कुछ क्लियर रहे कि हमें क्या करना है. साई मतलब सिर्फ एम्पलीट्यूड, क्या फायदा एम्पलीट्यूड लिखने का. एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. कोई आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की बात थोड़ी करोगे कि वहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं. भाई एम्पलीट्यूड तो वेव का एम्पलीट्यूड तो लाइट के लिए भी होगा, साउंड के लिए भी होगा, इसमें क्या नया है. तो पढ़ने का भाई नया तो होगा क्योंकि जैसे हम स्क्वायर करते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे लाइट या साउंड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं. उसको स्क्वायर करेंगे तो हम ये बता देंगे उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी है साउंड या लाइट का. तो हमने कहा वही कंसेप्ट अपन यहां यूज कर लेते हैं, साई स्क्वायर कर लेते हैं. तो चलो ग्राफ की बात करते हैं. अब ग्राफ अपन बनाएंगे. सपोज वी राइट अ ग्राफ फॉर, तो इसमें ना तीन टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं. ठीक है, एक ग्राफ होगा ऑर्बिटल वेव फंक्शन. मैं ना डिफरेंस बता रहा हूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप गड़बड़ कहां करोगे, इसलिए मैं पहले बिल्कुल क्लियरिटी से बताने के बाद ही आपको ग्राफ की बात करेंगे. ऑर्बिटल वेव फंक्शन अभी आपने लिखा था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन मतलब ये वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस.
डिस्टेंस फ्रॉम दूसरा ग्राफ में पढ़ूंगा ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो होगा शाही स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और एक ग्राफ अपन पढ़ेंगे ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन that will be 4 pi r square dr versus distance ये पढ़ेंगे इसकी तो अभी मैंने बात ही नहीं की वो अपन जब ग्राफ पढ़ते हैं तभी बात कर लेंगे क्योंकि वो सीक्वेंस में अपन को समझ में आ जाएगा कि आप इससे ये क्यों बना रहे क्योंकि आपको ये क्यों बनाया इससे पता चल जाएगा और ये क्यों बनाया वो इससे पता चल जाएगा बट एक पर्टिकुलर थीम है आपके पास और मैंने आपको पहले बता रखा है व्हाट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखोगे तो वहां लिखा हुआ है एंगुलर वेव फंक्शन ये अपन को पता है और ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया था अपन ने ये और इसके वैल्यूज कैसे डिसाइड करते हैं एम एन एन एल और एम से क्वांटम नंबर से और रेडियल वेव फंक्शन को मैंने आपको बताया था ये एन और एल पे डिपेंड करेगा आप आर लिख सकते हो रेडियल वेव फंक्शन मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और एंगुलर वेव फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई उसमें एंगल वगैरह पे डिपेंड करेगा और वो एल और एम पे डिपेंड करता है क्वांटम नंबर्स पे तो अपन फर्स्ट टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हैं ये मैंने और ऑर्बिटल वेव फंक्शन या वर्ड यूज हुआ इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया अभी विल रीड दैट फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन शाई वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस वी नो दैट दैट वैल्यू ऑफ शाई वेरीज फ्रॉम कैन बी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ये अपन को पता राइट ना वैल्यू ऑफ शाई कैन बी माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ये हमें ऑलरेडी पता है वो मैं अभी भी आपको बता चुका हूं अब मैं आगे ये वाला पार्ट हटाता हूं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बाकी पार्ट अपन देखते हैं ग्राफ को अब मैं ग्राफ बनाऊंगा 1s के लिए तो ये ग्राफ है 1s के लिए फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा 2s के लिए 2p के लिए 3s पहले s वाले देख लेते हैं फिर अपन 3s 4s ले सकते हैं फिर अपन 4p 2p भी ले सकते हैं दिस विल बी 2p We can write for 3p, 4p, 3p. चलो इतना पहले देख लेते हैं फिर आगे एक दो ग्राफ मैं आपको दूंगा आप बना कर दिखाना मुझे ये सारे के सारे ग्राफ क्या है शाई वर्सेस आर ठीक है शाई वर्सेस आर अब पहले अपन एक ड्रॉ करते हैं बाद में फिर आगे पढ़ेंगे पहले अपन शाई वर्सेस आर अपन को बताएंगे इन सभी ग्राफ में क्या होता है शाई का वैल्यू मतलब हमें क्या रखना है पहले हमें नोड्स चेक कर लेना चाहिए नोड्स वो पोजीशन होता है जहां शाई का वैल्यू जीरो होता है शाई का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा क्रेस्ट पे मिनिमम और ट्रॉप पे मैक्सिमम एंड ट्रॉप पे मिनिमम होगा
तो चलो विल राइट दैट, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यूज हैं शाई के लिए। तो पहले मुझे नोड्स कैलकुलेट करने होंगे, तो इसमें जो नोड्स आएंगे अपने पास, द नोड्स आर कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये सारे के सारे सब शेल्स हैं और बिटवीन द सब शेल्स हमको स्फेरिकल और रेडियल कैलकुलेट करना होता है और रेडियल नोड्स। सो स्फेरिकल और रेडियल नोड इज एन माइनस एल माइनस वन। स्फेरिकल और रेडियल नोड्स एन माइनस एल माइनस वन। तो अगर इसमें नोड्स की बात करूंगा तो नोड्स विल बी इक्वल टू जीरो, मैं यहां पर लिख ही देता हूं माइनस के लिए, n minus l minus 1, so 1 minus 0 minus 1, it is equal to 0. Nodes will be equal to 1, nodes will be equal to 2, nodes will be equal to 3, node will be equal to 1, here it will be, node will be equal to, that is 0, node will be equal to 1, will be equal to 2, and node will be equal to, नोड विल बी इक्वल टू जीरो। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सब चेक कर सकते हो, इनको कैलकुलेट करने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एन माइनस एल माइनस वन, एन इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो नंबर फॉर द शेल होगा। एल के लिए डी का वैल्यू कितना होता है, टू होता है, तो अपन ने यहाँ पर टू लिखा और माइनस वन, सो इट बिकम जीरो। हमें पहले से ही पता था इसके लिए जीरो आना है, व्हाट इज सोल्ड। डी ऑर्बिटल तो शुरू ही थर्ड शेल से होता है, तो नोड कैसे बन गया? जैसे अपने लिखा 2p के लिए जीरो, 2p के लिए जीरो इसलिए बिकॉज p तो शुरू ही होता है 2 से। फिर 3p के लिए 1, हाँ तो अभी तो बताया था आपने कि इन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसी को तो कहते हो आप नोड्स, बिटवीन द सब शेल, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, पहले ड्रॉ करके बताया ना। अब इसके लिए ग्राफ में ऐसे बनाऊंगा, बिकॉज इट इज वन एस ना, ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो अपन कहेंगे वन एस में ग्राफ ऐसे क्यों बनाया? तो अब वन एस में क्या होगा, वी ऑल नो दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप। तो अगर एटम स्फेरिकल शेप में होता है तो अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे शाई लिख लेते हैं, x एक्सिस पे r लिखा था। अभी 1s स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल शेप होता है 1s का। अपन ने कहा जो 1s है ना, दैट इज अ फुटबॉल लाइक शेप, s ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल, पहले पढ़ा था। अगर एक फुटबॉल है और उसमें फ्लाइज को छोड़ दिया जाए तो उसके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, उसका मैक्सिमम होने का प्रोबेबिलिटी किस रीजन में होगा? सेंटर में। वॉल के पास जाएगा तो टकराएगा ना, वो हिट करेगा ना वॉल्स को, तो सेंटर में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अपन कहेंगे अगर आप स्फेरिकल शेप बोल रहे हो तो फिर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की कहां पर होगी? सेंटर में। तो ग्राफ कैसे बनाओ? तो अपन कहेंगे भाई इधर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जैसे जैसे दूर जाओगे वॉल की तरफ जाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जानी चाहिए। तो ऐसे ही तो बनेगा ग्राफ भाई, यहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, शाई के वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और जैसे जैसे दूर जा रहे हो न्यूक्लियस से उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। आर का वैल्यू जैसे बढ़ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी शाई के वैल्यू कम होता जा रही है, वही तो बनेगा। अच्छा तो अपन एक क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं, बाकी तीन क्वाड्रेंट नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखोगे तब भी मैं उसको सही मानूंगा। ये इन चार, ये पूरा ग्राफ, ये पूरा भी बनाओगे तब भी मेरे लिए वनस के लिए सही है। मैं तो चारों क्वाड्रेंट की जगह एक ही क्वाड्रेंट बना रखे हैं, यहां भी अपने एक ही क्वाड्रेंट बनाया, यहां भी अपने एक ही क्वाड्रेंट।
फुटप्रिंट बनाया सभी जगह। ठीक है, तो अपन एक क्वाड्रेंट से पढ़ रहे हैं ग्राफ, तो अपन ने ये वाला पार्ट पढ़ा। अगर कोई ऐसे ड्रॉ करके देखा अपन को, बताओ ये वन एक्स का ग्राफ है। हाँ है, करेक्ट है, एक क्वाड्रेंट इधर है, एक क्वाड्रेंट इधर है, सही है। ये ग्राफ होगा वन एक्स के लिए, और वी नो दैट दिस इज ओरिजिन, दिस इज आल्सो ओरिजिन। अब अपन 2s की बात करते हैं। 2s में क्या होगा, 1s और 2s के बीच में एक स्पेस आएगा विच इज एम्प्टी, मतलब वहां पर एक नोड आना चाहिए। भाई दो शेल के बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर नोड्स होगा, जैसे अपने बनाए थे ग्राफ वेव मैकेनिकल मॉडल। तो यहां पर शाई का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो जैसे अपन ने ग्राफ बनाए थे ऐसे वेव मैकेनिकल मॉडल, तो ये जो दोनों के बीच में जो यहां पर शाई का वैल्यू जीरो होता है, इसी को तो अपन नोड्स बोलते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वन एस का ग्राफ तो ऐसे होगा और टू एस का ऐसे होगा, दिस इज फॉर टू एस। ये वो पॉइंट है, दिस इज बिटवीन 1s एंड 2s। ये 1s था, ये 2s था, नेगेटिव है, इसे वेव बनाया था। तो ये जो पॉइंट जब एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, ये r था, ये शाही था। जब भी ये वाला ग्राफ ऐसे एक्स एक्सिस को टच करेगा, x को टच करेगा, अगर x को टच करेगा तो अपन उसे बोलेंगे दैट इज नोड। तो यहां पर एक ही बार टच करना चाहिए और यही अपने लिए नोड होना चाहिए। तो फिर 3s में तो अपन कहेंगे भाई 3s में इट विल बी लाइक दिस प्लस, माइनस, प्लस ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, दीज आर द नोड्स। इसमें दो नोड होंगे। एस के लिए तो अपन कहेंगे भाई देखो, एस के लिए एन माइनस एल माइनस वन, एस के लिए एल का वैल्यू हमेशा जीरो होगा। आप सीधा एन माइनस वन बता सकते, एन एस थ्री माइनस वन टू हो गया। इधर राइट दैट प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो अपन कहेंगे इसमें एक नोड, दो नोड, तीन नोड, ये इसको टच नहीं करेगा। अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज वन एस, दिस इज वन एस, दिस इज टू एस, दिस इज वन एस, दिस इज टू एस, दिस इज फॉर थ्री एस, दिस इज वन एस, टू एस, थ्री एस, फोर एस, नॉट इज 2p। अब 2p में तो नोड का वैल्यू कितना होगा, जीरो। अगर हम 2p का ग्राफ लिखेंगे साई वर्सेस आर, ऑल्सो साई वर्सेस आर, वी नो दैट साई वर्सेस आर, सारे ग्राफ अपन साई वर्सेस आर ही लिखते हैं। तो ग्राफ ऑफ 2p विल बी लाइक दिस। क्या ये ओरिजिन को टच करेगा, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टॉपिक को, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। हाँ तो डिफरेंस क्या है, पहले आपने ऐसे लिखा था, अभी थोड़ा सा ऐसे कर लिया। हाँ क्योंकि 2p जो होगा वो न्यूक्लियस से 2p का कोई रोल नहीं होगा, अपन को पता है 2p विल बी लाइक दिस। और 2p के लिए जो रीजन मिलेगा ना वो थोड़ा सा ही रीजन होता है बस, तभी तो अपन ने बात की। आप थोड़ा सा दूर होके भी 2p की बात कर सकते हो, ओरिजिन से थोड़ा दूर जाके भी 2p की बात कर सकते हो।
इसका ग्राफ आपने ऊपर यहां से शुरू किया, इसका पी का क्यों नहीं शुरू किया ऐसे? तो भाई पी का जो ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है। इसमें कौन सा स्फेरिकल है? कि फुटबॉल जैसे शेप है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां होगी? सेंटर में होगी। इसका फुटबॉल जैसे शेप थोड़ी होता है, तो डंबल शेप है, मतलब दो बैलून है ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां होगी? इधर तो हो नहीं सकती, थोड़ा दूर ही होगा इससे प्रोबेबिलिटी। हाँ तो बनाया मैंने थोड़ा दूर, बट फुटबॉल में तो सेंटर में ही होती ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और फुटबॉल क्यों? क्योंकि सारे के सारे एस ऑर्बिटल थे, दे आर स्फेरिकल इन शेप, दे आर सिमेट्रिकल, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है भाई, तो 2p वी गॉट दैट। अब अपन 3p के लिए नोट्स की बात करते हैं। तो 3p में क्या हो जाएगा? n माइनस l माइनस 1, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, वी गॉट 1 नोट्स। तो इसके लिए तो p के जो राइट ना, p के लिए जो अपन ग्राफ लिखेंगे दे विल बी लाइक दिस, दैट विल बी द ग्राफ लाइक दिस। तो इसका ग्राफ लिखेंगे तो शाई वर्सेस आर का तो बन गया, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई ये 2p है, ये 3p है, ये 2p है, ये क्योंकि अब 4p लिखना है तो 4p तक ग्राफ बताना होगा ना। तो 2p जैसे यहां पर 3p लिखा अपन ने, तो देयर विल बी वन नोड बिटवीन द 2p एंड 3p, जैसे अपन ने ऐसे बनाया, ये 2p हो गया, ये 3p हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक नोड बनेगा ना, स्फेरिकल नोड, क्योंकि अपन ने बताया था ना वो ऐसे थोड़ा सा ही रीजन होगा, थोड़ा सा ही रीजन होगा, तो इन दोनों के बीच में एक नोड बनेगा, दिस इज दैट स्फेरिकल नोड। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल नोड, 2p और 3p के बीच में। तो 4p के बीच में तो एक और बनेगा, अब 3p और 4p के बीच में नोड बनेगा, वो टू नोड है। एट दिस पॉइंट जहां पर शेल नहीं होता है, ये सब शेल नहीं होता है, वहां उसको अपन नोड बोलते हैं। तो फिर 3d, 4d के लिए फिर 0, भाई d ऑर्बिटल तो शुरू ही होता है थर्ड शेल से, तो अपन लिखेंगे n माइनस l माइनस 1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 3 माइनस 2, d के लिए l का वैल्यू 2 माइनस 1, 0 आ रहा है। तो फिर इसका शेप तो अपन कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपने 2p लिखा यहां पर, 3p लिखा आपने, 4p लिखा आपने, यहां पर दो नोड्स आए थे, ये नोड्स है। तो अपन कहेंगे इसमें तो नोड्स ही नहीं है, तो अपन ऐसे बना है, इसका शेप भी वैसे आएगा, देयर इज नो नोड्स। तो इसका शेप ऊपर से ऐसे क्यों नहीं बनाया जैसे इसमें बनाया? क्योंकि आप ये 3D है, 3D से पहले बहुत सारे शेल्स थे, मैं न्यूक्लियस से बहुत दूर की बात कर रहा हूं, ये कोई स्फेरिकल थोड़ी है, तो न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल में भी जो रीजन मिलेगा वो तो बहुत कम रीजन मिलेगा ना, डी ऑर्बिटल्स आर लाइक दिस। तो इनमें तो सिर्फ यहां पर ही थोड़ा सा रीजन मिलेगा ना, बाकी रीजन तो अंदर वाले शेल्स के लिए, सब शेल के लिए होगा ना। ये ग्राफ से अब अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देखो भाई आपने इसमें पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बताया, तो अपन कहेंगे शाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। मैं इसको अब आप मुझे बताओगे, एक तो आप बनाओ 5s के लिए ग्राफ, और एक आप बनाओगे 5p के लिए, ये दो 5d के लिए, ये दो ग्राफ बना के दिखाओ आप मुझे, ये दोनों ग्राफ बनाओ, नोड्स कैलकुलेट करो और ग्राफ बना के दिखाओ कैसे आएंगे 5s और 5d के लिए, कैसे ग्राफ बनाओगे आप?
हो गया, और 5D के लिए भी बना के देखना है बिल्कुल, आप कोशिश करो बनेगा। शुरू करें, पूरी तरह से बन गया होगा, है ना? ओके, तो अपन बनाते हैं। 5S के लिए नंबर ऑफ नोड्स इज 4, तो आपने ऐसे बनाया S का, है ना? तो S तो स्फेरिकल होता है, तो 1s में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है द सेंटर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ये बन गया। ये 1s था, ये 2s था, ये 3s है, ये 4s है, ये 5s है। नंबर ऑफ नोड्स इज 4, 1, 2, 3, 4, द नोड्स। तो अपन ने इसको बना लिया, ये वेव फंक्शंस, ऐसे पार्ट्स में ये बना लिया। 3D के लिए तो 3D, 4D, 4D तो एनोड आया 2 मेरे पास, एक 5D और 4D के बीच में, और एक 4D और 3D के बीच में, और D ऑर्बिटल 3 से ही शुरू होता है, तो 3D 2D तो हो नहीं सकता। तो अब D के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में थोड़ी बतानी होती है, तो अपन कहेंगे ये आपका 3D है, 4D है, 5D है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है, पॉजिटिव नेगेटिव पर ये अपने ग्राफ से, एवरीबॉडी गॉट इट? किसी को डाउट है तो पूछेगा, अदरवाइज मैं फिर आगे बोलने वाला हूं। In all these graphs, देखो values are definite, किसी भी point पे अपन को definite value मिलेगा, no doubt. They are continuous, graphs are continuous. मैंने कहीं भी किसी भी graph को break नहीं किया, so they are continuous. They are single valued at one point, किसी भी point पे उसका एक single value ही होगा. But problem is that कि these graph indicates the probability of finding the electron. मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की बात करनी है हमें ग्राफ में। हाउ कैन वी से दैट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव? पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमें यह पता चला कि कोई भी ग्राफ नेगेटिव नहीं होगा, मतलब जो ग्राफ आप शाई के लिए लिख रहे थे, अगर आप उसी को साई स्क्वायर बनाओगे वर्सेस आर, तो ये नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब ये ग्राफ में ऐसे कर दूंगा वैल्यूज, मतलब ये जो ग्राफ जो इधर आ रहा था नोड्स, इसमें दो रहेंगे, बट द साई स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। मतलब ये सारे के सारे वैल्यूज जो होंगे पॉजिटिव वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो अपन कहेंगे भाई थर्ड सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ जो होगा दैट विल बी ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दैट इज ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर वर्सेस आर, तो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर विल बी 2 प्लस इनफिनिटी, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो फिर R के लिए तो साई स्क्वायर वर्सेस R, S के लिए यही रहेगा, नोड जैसे ही कैलकुलेट करने हैं, बस जो आपने नेगेटिव वैल्यूज लिखे हुए हैं उन्हें पॉजिटिव कर दो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नेगेटिव ना, अपन कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और वहां इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे, तो गलत होगा ना वो, तो अपन कहेंगे जितने भी हमने नेगेटिव वैल्यूज लिखे हुए हैं उनको पॉजिटिव बना दो,
ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, सारे के सारे पॉजिटिव बना दिए मैंने। तो यहां भी मैं ये जो वैल्यूज है ना, इन सब को पॉजिटिव बनाऊंगा जितने भी। तो अभी मैं क्या शाई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूं। अब आप शाई स्क्वायर वर्सेस आर लिखोगे ग्राफ में तो ग्राफ विल बिकम साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ विल बिकम देयर विल बी टू नोड्स, नो डाउट नोड्स विल बी टू, बट द वैल्यू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली इन दिस केस विल राइट दैट वैल्यूज को पॉजिटिव बना देते हैं, एंड इन दिस केस आल्सो साई स्क्वायर वर्सेस आर the graph will be for size square versus r, ye values theek hai, we got the size square versus r, but again in the graphs jo apan ko graph given hai in mein apne paas sare values positive aa gaye, ye to theek hai ki bhai if these regions are probability of finding the electron, how can the probability of finding the electron will be negative, it is not negative, it is always पॉजिटिव, उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो सभी ग्राफ में पॉजिटिव है, सभी ग्राफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। ठीक है, सभी ग्राफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट, ठीक है वी गॉट द ग्राफ, लेकिन इन ग्राफ में भी एक और प्रॉब्लम आ रहा है, एंड द प्रॉब्लम इज, अब मैं इस पार्ट को हटा लेता हूं, आपको बना लिया है ये सब, ठीक है ना, मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं। अब मुझे क्योंकि लिखना पड़ेगा थोड़ा, तो मैं इसको ये वाले पार्ट को हटाता हूं, ठीक है, इससे आगे उनको थोड़ा डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही अपन उसे आगे बढ़ पाएंगे। चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द, तो इन द अबव ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ है, इन द अबव ग्राफ जो ग्राफ बनाया तुमने, दे आर रिक्वायर्ड द मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन बिकॉज एक बात, दे शो बिकॉज इन एस ऑर्बिटल ऑर्बिटल दे शो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन द न्यूक्लियस, मतलब वो यहां पर अपन को पता है न्यूक्लियस है, लेकिन फिर भी अपन उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस। एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम है द रीजन, द साइज ऑफ एम्पलीट्यूड और रीजन, एम्पलीट्यूड और रीजन, द साइज ऑफ एम्पलीट्यूड और रीजन ऑफ ऑल दी सबशेल्स, यहां पर जो सबशेल्स है ना, जैसे ये 2p 3p 4p है, 2p 3p 4p है राइट ना, जैसे यहां पर 2p है 3p है 4p है, या 1s के बाद 2s 3s 4s 5s है, तो द साइज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल दी सबशेल्स
is shown as C. जबकि अपन को पता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं भाई, आपको पता है कि 2p का ऑर्बिटल अगर ये होगा तो 3p का ऑर्बिटल का उसका रीजन तो डिफरेंट होगा ना 2p से, पर 2p का रीजन छोटा होगा 3p से, 3p का रीजन छोटा होगा 4p से, और आप क्या कर रहे हो, हमें 2p 3p 4p एक जैसा रीजन बता रहे हो, तो गलत। फिर आपने ग्राफ 2p का ग्राफ, आप चाहे साई स्क्वायर लिखो r लिखो या साई और r लिखो, दोनों ही एक जैसे थे, जबकि अपन को क्या लिखना है, नो डाउट वी नो दैट कि अगर ये साई वर्सेस r का ग्राफ है तो साई स्क्वायर के लिए अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब रीजन इसका स्क्वायर कर देंगे, बड़ा कर देंगे रीजन, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि भाई आपने 2s 3s 4s सभी के लिए एक जैसा रीजन बना रखा है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। अगर आप न्यूक्लियस से ऐसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपको बताना चाहिए ना कि भाई ये 2p है, 2p का रीजन छोटा होगा, 3p का रीजन बड़ा होगा और 4p का रीजन और भी बड़ा होगा, मतलब वेव्स को चेंज होते रहना चाहिए, मतलब वेव्स को कुछ ऐसे बनाना चाहिए आपको, जैसे ये 2p है तो आपको बताना चाहिए कि ये 2p है तो ये 3p होगा तो ये 4p होगा, और बढ़ना चाहिए ना नहीं रीजन, जबकि यहां क्या कर रहे हो आप, सब एक जैसा बता रहे हो, जो कि गलत है, ठीक है। जबकि यहां पर अपन ने क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, तो वो भी अपने लिए गलत हो गया, वैसे नहीं होना चाहिए, तो ठीक है भाई उसको अपन चेंज कर देंगे, ये चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को भाई, जो ग्राफ है आप क्या करना, छोटा बनाना फिर उससे बड़ा बनाना फिर उससे बड़ा बनाना, ठीक है बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, रीजन क्योंकि अलग अलग होगा, रीजन चेंज होगा तो बना देंगे अपन। लेकिन अब ये तो बताओ कि भाई 1s को जो आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस में बता रहे हो उसको कैसे चेंज करोगे, तो अपन लिखेंगे उसमें ना, तो है तो अपन लिखेंगे फॉर एस ऑर्बिटल, अपन क्या करेंगे एस ऑर्बिटल को, वी डिवाइड द ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल इन अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी ऑफ थिकनेस, डीवी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डीवी ऑफ थिकनेस डीआर। हम क्या करेंगे, अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि भाई देखो सेंटर अपन ने एस ऑर्बिटल ऐसे बना रहे थे है ना, जबकि अपन को पता था, थोड़ा सर्कल बना रहा, जबकि अपन को पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर भी हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन सेंटर में है, जो कि गलत है। हम सबको पता है कि न्यूक्लियस में अंदर तो इधर एस ऑर्बिटल, जब आप 1s लिखोगे तो सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, अगर सेंटर में न्यूक्लियस होता है तो वहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, और हाइजेनबर्ग में तो अपन ने प्रूफ भी करके देखा कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इवन टच द न्यूक्लियस। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो रीजन है ना, ये एस ऑर्बिटल जो फर्स्ट शेल है ना, उसको एक रीजन में डिवाइड कर देते, इसको हमने एक रीजन में डिवाइड कर दिया कि भाई न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर ये रीजन वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये वाला रीजन, ये मतलब एक बन ऐसे किया न्यूक्लियस, ऐसे एक बड़ा फुटबॉल है, तो न्यूक्लियस और बड़े फुटबॉल के बीच में एक छोटा फुटबॉल और अज्यूम कर लेते हैं, मतलब न्यूक्लियस के बाद एक छोटा फुटबॉल और छोटा फुटबॉल के बाद एक बड़ा फुटबॉल, वो बड़ा फुटबॉल और छोटा फुटबॉल के बीच में जो वॉल्यूम होगा
स्फेरिकल वॉल्यूम, उसमें ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूक्लियस में तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, इसका थिकनेस ले लिया dr और न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ले लिया हमने r। तो अपन ने क्या करना है, ये जो वॉल्यूम है इन दोनों के बीच में, इसको अपन ने लिखा dv वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो dv वॉल्यूम जो इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ थिकनेस dr, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, उसमें से छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देना, तो वो dv आ जाएगा। भाई बड़े वाले फुटबॉल का वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपन को पता होता है, और छोटे वाले फुटबॉल का भी वॉल्यूम ले लो और दोनों को माइनस कर दो, बड़े वाले वॉल्यूम से छोटे वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, मतलब इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो विल राइट दैट 4/3 πr³। अभी r क्या होगा, r प्लस dr, ये बड़े वाले वॉल्यूम का, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि टोटल इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये r था यहां तक और यहां से यहां तक dr है, तो ऐड कर देते हैं। अगेन तो फिर क्या करेंगे, माइनस 4/3 πr³, और ये छोटे वाले वॉल्यूम का, छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा अपने पास 4/3 πr³। इसको सॉल्व करना हमें आता है, कैसे, r प्लस dr, इसका क्यूब लेंगे तो अपन लिखेंगे r³ That will be equal to r³ + dr³ + 3r² dr + 3dr² nr। वो पता है, सिंस dr इज वेरी स्मॉल, सो dr² एंड राइट ना dr³ कैन बी निग्लेक्टेड। क्या कर सकते हैं अपन, उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें ना 4/3 πr³ + dr³ + 3r² dr + 3r dr² - 4/3 πr³, These are very small. ये बहुत छोटे हैं, बिकॉज dr खुद बहुत छोटा है, 0.01 angstrom के बच्चे से, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं सिंस दे आर वेरी स्मॉल। तो बचा क्या मेरे पास, 4/3 πr³, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये r³ + 4/3 πr² मैं मल्टीप्लाई करके और r² dr - 4/3 πr³, ये बचा मेरे पास, ये तो कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि दिस विल बी लाइक दैट ना, ये था ना अपने पास 3r² dr, 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 4πr² dr, ये बच गया मेरे पास 4πr² dr बच गया। तो मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये तो निग्लेक्ट कर लिया था, हटा दिया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, सो आई गॉट दिस, ये तो निग्लेक्ट किया बिकॉज dr² है और माइनस दिस, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस, उसको इसमें मल्टीप्लाई किया वी गेट दिस, ये और ये तो कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हुआ, तो आई गॉट दिस, दिस इज व्हाट dv। द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो
यहां से यहां तक थोड़ी कैलकुलेट किया अपन ने, पूरा स्पीयर थोड़ी कैलकुलेट किया अपन ने, अपन ने तो ये अज्यूम किया यहां से लेके यहां तक जीरो, फिर उसके बाद एक छोटा सा रीजन अज्यूम करेंगे। मतलब हर एक 1s, 2s, 3s, 4s ऐसे एक रीजन अज्यूम करना है। तो जैसे जैसे अपन 1s होगा, अब जैसे 1s है तो 2s का वॉल्यूम और बड़ा होगा, क्योंकि 1s का वॉल्यूम अगर ये है तो 2s का वॉल्यूम तो इधर बनाएंगे अपन और भी बड़ा होगा, 3s का वॉल्यूम और भी बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन व्हाट विल डू, न्यूक्लियस में दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एस जीरो, दिस इज कॉल्ड रेडियल, मतलब डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन इसलिए यहां से यहां तक जीरो, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर जीरो, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन है, फिर जीरो, फिर 2s, फिर इलेक्ट्रॉन है 3s में, तो दैट इज अ फंक्शन। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियल, दैट इज ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, probability density of electron है, density function of electrons। ये अपना third type of graph है, मतलब the third type of graph will be drawn between dv versus r, the distance from the nucleus। मैंने आपको पहले ही कहा था हम तीन type के graph पढ़ेंगे, हमें क्वेश्चन में ये चेक करके रखना है कि कौन सा ग्राफ पूछा है हमसे, इसलिए मैंने आपको तीनों टाइप के ग्राफ बनाए, लेकिन दिस ग्राफ विल बी द मॉडेस्ट वन, ये सबसे करेक्ट होंगे। व्हाइट इज सो, इसमें आपने एस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो आप न्यूक्लियस में ले रहे थे अब नहीं लोगे, और दूसरा पार्ट आप ये बता ही दोगे कि भाई रीजन जो है ऑब्वियस सी बात है अगर 3p है तो उसका रीजन छोटा होगा 2p से, वो आप बना दोगे। तो चलो देखते हैं ग्राफ बना, व्हाट इज द ग्राफ, व्हाट विल बी द ग्राफ वी हैव टू डिस्कस। तो द ग्राफ इज बिटवीन, जो लिखने वाले हैं दैट इज बिटवीन द ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर, तो मैं 1s के लिए लिख लेता हूं, ये 1s, तो नोड विल बी इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस ही बात है नोड्स तो पता होना ही चाहिए अपन को, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा। तो अब जो ग्राफ बनेगा यहां से यहां तक तो जीरो होगा, लेकिन ये ऐसे ग्राफ बनाऊंगा मैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी है, तो ऐसे बना दूंगा, ये ग्राफ बनेगा, न्यूक्लियस में जीरो, उसके बाद जैसे जैसे दूर जाओगे आप प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और इस वो ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये जो मैक्सिम आपका मैक्सिमा आएगा इधर, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को अब अगर आप बोर रेडियस के हिसाब से डिस्कस करोगे तो मैं कहूंगा ये जीरो है एंड दिस पॉइंट विल बी 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये आर है, तो रेडियस विल बी 0.529, मतलब दिस न्यूक्लियस से लेकर ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वैसे ही अगर मैं 2s लिखता हूं तो 2s के केस में आई विल राइट लाइक दिस, नोड विल बी इक्वल टू 2, नोड विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 2s है ना, एक 1s और 2s के बीच में, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। मैंने आपको बताया फंक्शन लिख रहे हो आप इसमें, रेडियल ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो गया कि जिसका वॉल्यूम छोटा है उसका ग्राफ भी छोटा होगा, जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा उसका ग्राफ भी बड़ा होगा, ये 1s है, ये 2s है, न्यूक्लियस में जीरो, इट्स करेक्ट। अगर मैं 3s के लिए लिखूंगा तो विल राइट दैट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर,
ये 3s के लिए नोट विल बी इक्वल टू 2. आई विल राइट लिख ये 3s कर रहा, 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा. ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है 3s का साइज ज्यादा ही होना चाहिए 2s से, और 2s का साइज ज्यादा ही होना चाहिए 3s से. इफ आई राइट अ 4s, ठीक है भैया 4s भी बना दोगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा. 4s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस, सो नोड विल बी इक्वल टू 3. वी कैन राइट दैट, अगर नोड 3 है तो 4s के लिए 1s 2s 3s 4s. तो अगर मैं 2p के लिए लिखता हूं तो विल रेट फॉर 2p डन ये आपका 2p का ग्राफ है. 2p के ग्राफ में नोड विल बी इक्वल टू 0, ये तो पहले से ही आप ऐसे लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी. तो अपन कहेंगे ये बताओ 2p और 1s में क्या डिफरेंस है, तो अपन कहेंगे डिस्टेंस का डिफरेंस है. ये जो वैल्यू होगी ना, दिस विल बी, ये जो वैल्यू होगा ना, ये दिस विल बी मच ग्रेटर देन 0.529, ये डिफरेंस है, ये 2p के ग्राफ ग्राफ. तो हमसे कभी कभी ये भी पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम टाइप ऑफ ग्राफ, बताएंगे. पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ग्राफ पूछा किसके बीच में है. सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि भाई आपने ग्राफ तो पूछा है लेकिन किसके बीच में ग्राफ पूछा है, ये तो देख लें. नाउ वी कैन राइट दैट 3p. ऑब्वियसली बात है 2p और 3p का एक नोड होगा. तो अपन कहेंगे लो भाई ये 2p है, ये 3p है. तो अपन कहेंगे भाई 1s और 2s और 2p और 3p ग्राफ तो एक जैसे हैं दोनों के, तो क्या डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस, ये वाला साइज और ये वाला साइज डिफरेंट होगा, ये वाला साइज और ये वाला साइज डिफरेंट होगा. तो सेम फॉर 4p, बिल्कुल. तो अगर 3d का ग्राफ लिखूंगा तो नोड विल बी इक्वल टू 0, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर. तो इसमें विल रीड दैट, इसका साइज और बड़ा होगा. ग्राफ ऑफ 1s 2p एंड 3d दे विल बी सेम, डिफरेंस विल बी ऑफ साइज. तो नाउ देयर फंक्शन है, जो सेकंड पॉइंट मॉडिफिकेशन के लिखा था वो यही था कि इसका साइज छोटा होना चाहिए इससे. पहले आप क्या कर रहे थे, तीनों का साइज एक जैसा बना रहे थे, 4d, ठीक है, ये 3d, ये 4d, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, ये आपका ग्राफ. सिमिलरली यू कैन राइट द अदर ग्राफ्स आल्सो. The graph of 4D, the graph of 3P, and the graph of 2S, they are same. That is about the graphical representation. Yeah, graphical representation. Kisi ko doubt hoga, to puch sakta hai the graphical representation. So, ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी टाइप से अपन से ग्राफ पूछेंगे, उसके अलावा और अपन से ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले. प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है उनके साइन तो पॉजिटिव ही होंगे. दैट इज अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें से अपन से पूछेंगे. And that is your atomic structure chapter. इसमें हमको एक पार्ट पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी करके.
थोड़ा सा रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज रेडियोएक्टिविटी वी कैन स्टार्ट टुमारो। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप लास्ट सेक्शन छोड़ के आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हो, है ना, रेडियोएक्टिविटी। तो इसमें होमवर्क डिसाइड कर लेंगे क्योंकि अब तो आपका एग्जाम भी हो गया। तो जो आपका होमवर्क है तो पार्ट वन से मैं इसको ही हटा देता हूं, यू कैन राइट द होमवर्क। द होमवर्क इज एक्सरसाइज वन से पार्ट वन एंड टू, पार्ट वन टू एंड थ्री एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी वाला जो है वो आपका लास्ट सेक्शन है, वो आप नहीं करना, बाकी आप सारा सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू ये आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज वन का पार्ट वन आपको सबमिट भी करना है, तरीका पार्ट टू पूरा करना है। आप कोई डाउट है तो पूछो। टेंथ दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल हम पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर ये वाला पार्ट, देन विल स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, रेडियोएक्टिविटी वाला पोर्शन जो अपन को क्या करना होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।